ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर की रीडिंग लेके आए हैं। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या चल रहा है उनके माइंड में, दिमाग में इंटेंशंस क्या हैं उनकी इस रिश्ते में, जानने की कोशिश करेंगे उनकी इंटरनल फीलिंग्स, इंटेंशंस, और क्या वो इस रिश्ते में कुछ एक्शन लेंगे या नहीं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। मैं कैमरा सेट कर देती हूँ। मैं कितना भी कोशिश करती हूँ ना कुछ जब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है अभी परफेक्ट है। एनीवेज, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी और आई होप आपको इसका इंतज़ार होगा। फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग है, ज़बरदस्ती कुछ भी अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है और बिल्कुल लाइटली इस रीडिंग को देखना है। कुछ चीज़ें आपसे मैच कर सकती हैं, कुछ चीज़ें आपसे बिल्कुल मैच नहीं कर सकती हैं, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है, आप चाहें अगर आप इंटरेस्टेड हों व्हाट्सएप करना, कॉल नहीं करना डायरेक्ट, मेरे आंसर का वेट करना, मैं ही रिस्पॉन्ड करूँगी। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। रीडिंग आप सन एंड मून साइन जिससे भी आप कर सकते हैं, इवन कहीं नाम राशि के अकॉर्डिंग भी मैच करती हैं उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। रीडिंग को फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं, चलिए। ऑल राइट, सो वर्गो राशि, क्या सोचते हैं आपके पार्टनर, क्या चल रहा है उनके माइंड में, देखते हैं इस रीडिंग के थ्रू। सबसे पहला सिक्स ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। देखिए टॉरस, वर्गो, आपके जो पार्टनर हैं कन्या राशि, ये पर्सन ना इतना कंफ्यूज है। पिछले हफ्ते या 10 दिन पहले मैंने इसकी रीडिंग निकाली थी, तब ये बिल्कुल ही डिफरेंट जोन में था। मतलब आप ये देखिए कि इन लोगों की एनर्जीज कैसे बदलती हैं। फिलहाल जो ये पर्सन है, ये सोच रहा है कि मैं किसी तरह रीयूनियन करूँ, रिकन्सिलेशन करूँ या क्या करूँ। हालांकि एक चीज़ जो मुझे दिख रही है, अब इसे भी पता है कि ये रीयूनियन रिकन्सिलेशन मेरे हाथ में नहीं रहा, ये ऊपर वाले के हाथ में है। किसी को मिलाना या किसी को बिछोड़ा कराना, कहते हैं ना बिछड़वाना, भी मेरे हाथ में नहीं होता। ऊपर वाला ऐसी परिस्थितियां और ऐसे कर्म बना देता है इंसान के कि उसे खुद समझ में आने लग जाता है कि मेरी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। आज वो इंसान ये सोचता है बैठ के कि मैंने जब सामने वाले को अकेला छोड़ा, मैंने जब सामने वाले से अपने फाइनेंशियल सपोर्ट खींचा, मैंने जब उसको बच्चों के साथ अकेला छोड़ा, जब मैंने उसको इतने सालों का शादी का वादा करके अकेला छोड़ा, या किसी भी तरह किसी भी रीज़न से आपको अकेला किया गया या उनको भी अकेला किया गया, हो सकता है आपने किया हो वर्गोज उनको, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब ये जो पैशन मैंने उसको इतना दिखाया, अपने पर्सन को, अपने लव पर्सन को, मैं इसका क्या हुआ। इन चीज़ों से उनको हाईली फ्रस्ट्रेशन होती है। मुझे जो दिख रहा है, आपका पर्सन बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है, बहुत ही हाईली गुस्से में रहता है, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है, बहुत ही ऐसा लगता है कि लाइफ उसकी अकॉर्डिंग चल नहीं रही, उसने ज़िंदगी में जो सपने देखे थे वो सब टूट गए, वो क्या करे, मतलब मैं तो ये सोचती भी नहीं थी या मैं तो ऐसा सोचता भी नहीं था। उसको बहुत दुख होता है और उसको ये भी पता है कि भले ही उसने रिकन्सिलेशन के लिए ट्राई भी किया हो या सच में कोशिश भी की हो, लेकिन वो किस तरह की रिकन्सिलेशन थी, वो कैसी टूटी फूटी रिकन्सिलेशन थी, ये सब चीज़ें उनको पता हैं। इंटेंट क्या है इस पर्सन का इस रिश्ते के लिए। द लवर्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, जो चीज़ आपके रिश्ते में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है ना वर्गोस, वो ये रही है कि ये इंसान हमेशा जगलिंग करता रहा। किस चीज़ में जगलिंग करता रहा? जगलिंग करता रहा आपको प्यार करने में, आपके प्रति इनकी जिम्मेदारियाँ, आपके प्रति इनका झुकाव, आपके लिए इनकी इनके कर्तव्य और इनकी खुद की, देखिए सॉरी आप बुरा मत मानिएगा बट ये कुछ लोगों के लिए है, इनकी खुद की सेल्फ
वो चीज़ें जो ये करना चाहते थे, जैसे कि शराब, सेक्स, इस तरह की हरकतें करना, नशा, या फिर लड़कीबाजी या लड़केबाजी, बाहर गलत चीज़ें करना, जुआ, सट्टा, नेगेटिविटी, जो एक इंसान सेल्फिश होकर कुछ चीज़ें करता है ना, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ें, ये इंसान ना, अब जैसे कहता है ना, एक होता है कि हम दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं, एक हमारा वो, और एक होता है हम अपने सेल्फ के लिए कुछ डिसीज़न लेना, एक प्यार और एक हमारा सेल्फ। अच्छा, सेल्फ हमारा दो तरह का होता है, एक होता है कि हम खुद को संभालना चाहते हैं। देखिए, जो आपसे प्यार करेगा सच्चे दिल से, वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा। वो अगर आप नशा करेंगे, अगर आप गलत कामों में पड़ जाएंगे, अगर आप धोखा देंगे, तो डेफिनेटली वो आपको रोकेगा, आपको समझाएगा कि देखिए आप ये सब ना करें, इससे हमारे घर की, हमारे परिवार की, बच्चों की, सबकी इज्जत जो है वो ख़राब हो रही है, या इस तरीके की चीज़ें ना करें, इन चीज़ों में ना पड़ें, वो आपको समझाएगा। और वो सब आपको रोक टोक लगती है, वो सब आपको लगता है अरे ये तो मेरे को मेरी आज़ादी से दूर कर रही है या कर रहा है, ये तो मुझे ज़्यादा ही ज्ञान बाँट रही है, ये तो मुझे ज़्यादा ही अकलें देने की कोशिश कर रही है। इस तरीके की जो एक थॉट होती है, अरे मैं तो आज़ाद रहूं, अरे मैं तो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर अपनी लाइफ में फुल रहूं, मुझे इसकी ज़रूरत क्या है, कुछ इस तरह के भी लोग होते हैं संजीवन में, संसार में, जो कि इस तरीके की सोच रखते हैं और इस तरीके की चीज़ें करते हैं। लेकिन जो मुझे दिख रहा है कि फ़िलहाल अभी भी ये उन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं, अभी भी ये झूल रहे हैं, अभी भी इन्हें डिसीज़न नहीं लेना आया कि इनको आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, या इन्हें खुद के ही जो इनके स्वार्थी काम हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन करे कि उसमें रहना है। तो बहुत ही झूला हुआ इंसान है ये, और दो दो तरफ से सोचता है। तो अब आप ये समझिए कि ये कहाँ का ये इंसान, इसको लाइफ में क्या मतलब मिलने वाला है। देखते हैं क्या आपके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ। प्रिंसेस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ सोर्ड्स। देखिए, अपने स्वार्थ में या अपने खुद के मतलब की चीज़ों में आज ये इंसान इतना रम चुका है कि, या इतना वो हो चुका है कि इसे अब ये लगता है कि हम दोनों मिलकर ही इस रिश्ते को ख़त्म कर दें, किसी तरह ऐसा हो जाए कि हम दोनों का ये रिश्ता ख़त्म हो जाए। अगर मैं आपको सच्ची बताऊं तो इसने ये डिसीज़न लिया है कि मिलकर हम इस रिश्ते को ख़त्म कर लें, यानी कि आपके साथ ये म्यूचुअली इस रिलेशनशिप को एंड करना चाहता है। प्रॉब्लम यह है कि आप नहीं कर रहे, आप अभी भी अपनी जगह पे खड़े हैं। और मैं अगर आपको सच बताऊं वर्गोज़, अगर आप सच में इस इंसान के साथ जुड़े रहना चाहते हैं और इसको सज़ा देना चाहते हैं, हालांकि सज़ा देने वाला कोई नहीं होता, ऊपर वाला होता है, तो इसकी सबसे बड़ी सज़ा यही होगी कि जो इसने आपको इतना ज़्यादा प्यार दिखा के, इतना अपनापन दिखा के, आपके साथ जो आपका जीवन बर्बाद किया। कई लोग तो बेचारे बच्चों वाले होकर भी अकेले हो गए, कई लोग बहुत लंबी शादी के बाद अकेले हो गए। अगर आपके जीवन में कोई और बहुत अच्छा है जिसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, तो देखिए आप बढ़ सकते हैं, मैं कोई नहीं होती कहने वाली आपको। लेकिन अगर आप एक ऐसे दौर पे आ गए, ऐसे मुकाम पे आ गए जहाँ पे आप खुद भी अड़े हैं और इसे भी अड़ा के रख सकते हैं, तो आप ज़रूर इसे अड़ा के रखें, क्योंकि ये इंसान बहुत ही स्वार्थी है, बहुत मतलबी है, और इतना मतलबी इंसान है, मैं इसकी रीडिंग देख के बता सकती हूँ। मतलब इसने अपने आप की, अपनी खुद की आज़ादी को ही चुना। अगर जहाँ तक इसकी इंटेंट थी, जहाँ तक ये कन्फ्यूजन में दिख रहा था, आखिरी में इसने खुद को ही चुना, एक्शंस में इसने खुद को ही चुना। तो आपसे मैं यही कहूँगी कि आप भी खुद को ही चुने, आप भी इसको कभी ना चुने। क्या करना चाहिए वर्गो आपको? फुलफिलमेंट ऑफ विशेज, ज़िंदगी में जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप कामना करते हैं, उस पर काम करिए, अपनी ज़िंदगी की सारी चीज़ें पूरी करिए, इसके ऊपर डिपेंड मत रहें कि ये आएगा, ये आपको प्यार करेगा, ये आपके लिए नहीं, आप स्वयं ही अपने सारे सपने पूरे करें, उसके लिए एफर्ट करें। इमोशनल विड्रॉल, इस बंदे से इमोशनली विड्रॉ कर लीजिए,
इमोशनली आप इसके साथ कोई रिश्ता मत रखिए, जो रखिए प्रैक्टिकल रखिए, यही मैं आपको सलाह दूंगी। एंड मेमोरीज ऑफ लव, बार बार आपको पुरानी बातें याद आती हैं, आपको वो कमज़ोर बनाती हैं, बार बार आप उन चीज़ों में दोबारा फंसते हो। मैं आपको यही कहूँगी, उन मेमोरीज को एक अगर याद करना है या याद आती हैं तो उनको एक कहते हैं अपने आगे बढ़ने की तरह इस्तेमाल करिए, ना कि उनसे कमज़ोर पड़ जाइए। ठीक है, मैं आपसे एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूँगी, अक्सर हम टूट जाते हैं, टूटना नहीं है उन बातों से। सो ये है माय डियर वर्गो आपकी रीडिंग, एंड आई होप फ्रेंड्स कि आपको इससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली हो। अगर ऐसा है प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पर्सनल रीडिंग का नंबर ऊपर है, मैं आपको उस पर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।